हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू लर्निंग एंड टेक यूट्यूब चैनल ऑफ मटेरियल वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए यूनिट वन के वन पॉइंट सिक्स इलॉन्गेशन ऑफ बार ऑफ वेरिंग सेक्शन इससे पहले हम लोगों ने देख चुका है क्या इलॉन्गेशन ऑफ बार ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मीन्स व्हाट मीन्स यहाँ से वहाँ तक क्रॉस सेक्शन जो एरिया दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन है ये यूनिफॉर्म इसमें क्या है स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं दैट इज द वेरिंग क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन मीन्स दिस एरिया दिस एरिया वेरिंग दिस एरिया वेरिंग हियर तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म का हमने देख चुका है यूनिफॉर्म का डेल्टा एल कैलकुलेट किए थे डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाय ए ई ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड हम लोग ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं आज हम लोग देखेंगे कि एलोंगेशन ऑफ बार ऑफ वेयरिंग वेरिंग क्रॉस सेक्शन इसका हम लोग डेल्टा एल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसको कैलकुलेट करने के लिए लोड देखेंगे कि कितने लोड है यहाँ पे देखेंगे सिंगल लोड है तो लोड यहाँ पे पी रहेगा उसके बाद अलग अलग जैसे ये सेक्शन का अलग डेल्टा एल ये सेक्शन का अलग डेल्टा एल और ये सेक्शन का अलग डेल्टा एल तीनों का अलग अलग डेल्टा एल कैलकुलेट करके सभी को ऐड कर देंगे देखिए डेल्टा एल अलग अलग कैलकुलेट किया जा सकता है अगर इसका एरिया हमको मालूम पड़ जाए या फिर इसका डायमीटर दिया हो इसका एरिया मालूम पड़ जाए इसका डायमीटर दिया हो और इसका एरिया मालूम हो जाए अगर इसका डायमीटर दिया हुआ हो तो हम लोग का एक फार्मूला ही है डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाय ए और इस केस में क्या करेंगे अगर इसका इलॉन्गेशन फॉर इस दिस वन इज़ डेल्टा एल वन और इसका इलॉन्गेशन डेल्टा एल टू और इसका इलॉन्गेशन डेल्टा एल थ्री इस तरह से हो तो जस्ट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तीनों सेक्शन का तीनों सेक्शन का अलग अलग इलांगेशन है सेक्शन वन के लिए डेल्टा एल वन सेक्शन टू की डेल्टा एल टू सेक्शन डेल्टा थ्री और डेल्टा एल हमेशा जो कैलकुलेट करेंगे जो डेल्टा एल होगा वो पी एल बाय ए ही होगा ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेम सेम चीज़ है यही डेल्टा इक्वल टू पी एल बाई ए ई और सब को ऐड कर दिए अब इस केस में अगर देखते हैं कि कुछ कॉमन चीज़ है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं जैसे लोड अगर सिंगल लोड अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे लोड एक ही है पी यहाँ पे देखते हैं एक ही लोड पी है और किसी भी मटेरियल के लिए ई का वैल्यू भी कॉन्स्टेंट होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे डेल्टा इक्वल टू यहाँ यहाँ पर हम लोग कॉमन लेकर के लिख सकते हैं कि डेल्टा ये वाला देखिए डेल्टा इक्वल टू पी एल बाई ई यहाँ पे फर्स्ट के लिए पी पी वन एल वन ए वन ई पी टू एल टू ए टू ई पी थ्री एल थ्री तो यहाँ पी क्या है कॉन्स्टेंट है कॉमन फॉर ऑल सेम और ई कॉमन फॉर ऑल तो हम लोग उसको बाहर निकाल लिए और जस्ट फॉर कैलकुलेशन वनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन वनली एल वन बाई एल टू एल टू बा इसको तो इसे हमें ध्यान में रखेंगे मैन फार्मूला ये है दिस वन इज़ द मैन एंड दिस फार्मूला इज द मैन उसी को हम लोग यहाँ से एलेबरेट किए हैं इक्वेरियम के केस में क्या है दोनों तरफ से फोर्स सेम रहेगा और बॉडी में ना कोई रोटेशनल मोशन होगा ना कोई ट्रांसलेशनल मोशन होगा ना कोई रोटेशनल मोशन होगा और ना ही कोई ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो हम लोग बोलेंगे बॉडी इक्वेबरियम में है एक और चीज देखते हैं के केस में पी वन प्लस पी फोर इक्वल टू पी टू प्लस पी इसका मतलब क्या है ऑल द फोर्सेज ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल टू ऑल द फोर्सेज ऑफ राइट right साइड और टोटल ये ऑलरेडी वी हैव सीन टोटल एलोगेशन इक्वल तू पी बाई एल वन प्लस ए वन प्लस एल टू बाई ए टू प्लस एल थ्री बाय ए थ्री आज के वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1.6 स्ट्रेस इन कंपोजिट बार